आप लोगों ने जज कर लिया होगा मुझे पहले कि मैं बहुत पढ़ाक उड़ाक टाइप हूँ। मैं थी एक्चुअली, मतलब हूँ अभी भी, बट मेरा बचपन हमेशा ऐसा ही था कि हमेशा पढ़ाई करना, और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी मैं अपने बच्चों की, मतलब सॉरी अपने मम्मी पापा की बच्ची थी मैं, सॉरी मतलब हमेशा उसकी उनकी बात माननी और वो सब। तो अब जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे उस टाइम मैं होती मेरे पास ये बताने के लिए कि सुनो ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, या ये भी कर लो वो भी कर लो, समय निकल जाएगा। तो इसी पे मैंने अपनी पोएम लिखी है। तो कुछ ऐसे कि मैं कहना चाहती हूँ उस कच्ची उम्र की मैं से कि संभालो इस इंद्रधनुष सी दुनिया को अपनी आंखों में, क्योंकि बहुत जल्द आंसुओं की बारिश होने वाली है और ये सब रंग धुल जाएंगे। देख लो इन फूलों को जी भर के, क्योंकि बहुत जल्द ये फूल पत्तियां भी तुम्हें कांटे नजर आएंगे। इस तेजी से चलती दुनिया में तुम थोड़ा धीरे चलना, इस तेजी से चलती दुनिया में तुम थोड़ा धीरे चलना, देख लो आसपास के नजारे भी, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें चश्मे लग जाएंगे। चालाक होती इस दुनिया में तुम थोड़ा मासूम ही रहना, चालाक होती इस दुनिया में तुम थोड़ा मासूम ही रहना, नहीं तो तुम में और उनमें क्या फर्क नजर आएंगे। मैं कहना चाहती हूँ इस कच्ची उम्र की मैं से कि ये जो तुम उसे अपना प्यार समझ बैठी हो, ये भी तुम्हें एक दिन छोड़ जाएंगे। मत कहो अपने दिल की बातें उनसे, मत कहो अपने दिल की बातें उनसे, क्योंकि तुम्हारी गहरी बातों को भी वो हंसकर सबको बताएंगे। खुल जाएंगे सारे राज तुम्हारे, खुल जाएंगे सारे राज तुम्हारे, और दिल के तुम्हारे हजार टुकड़े हो जाएंगे। मत देखो उनके साथ अपना भविष्य, मत देखो उनके साथ अपना भविष्य, क्योंकि सारे सपने तुम्हारे चकनाचूर हो जाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ उस कच्ची उम्र की मैं से कि ये जो तुम उन्हें अपना दोस्त समझ बैठी हो, कोई तुम्हारा हाल भी पूछने नहीं आएंगे। दोस्त बनो तो सिर्फ अपनी, क्योंकि बाकी लोग तो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जाएंगे। मत लड़ो माँ से ये कहकर कि दोस्त काम के लिए नहीं बनाए जाते, जब माँ कहती है कि इनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। समझ लो ये बात कि तुम अलग हो, दुनिया जैसी नहीं, दुनिया मतलब ही है, और सब तुमसे सिर्फ काम ही निकलवाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ उस कच्ची उम्र की मैं से कि विज्ञान परीक्षा में आए अच्छे अंकों को अपने सपनों के पंख मत दो, डॉक्टर बनने के ये सपने बोझ बन जाएंगे। सोच लो, समझ लो, समय लो, आज जल्दी जवाब देने की ये गलती मत करो, कल को ये भारी सवाल तुम्हें काट खाएंगे। समय है, कह दो अभी भी कि तुम्हारे सपने कुछ और हैं। समय लगेगा पर सब समझ जाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ उस कच्ची उम्र की मैं से कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना, कि तुम जैसी हो वैसी ही रहना, हाँ थोड़ा मुश्किल है, पर तुम दुनिया को समझ जाओगी और सब तुम्हें समझ जाएंगे। थैंक यू।